हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए एमसी स्टैन का जो आमिन गाना है उस पर रिएक्शन बनाते हैं. एंड यस, आई एम लिसनिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो लेट्स डू इट. I really like the starting of the song. Really loved it. The way वो नमाज पढ़ रहे हैं, that is something. Did you see that? क्यों रो पड़ी बोलती तेरे हाल देख तेरे गंदे बाल देख और अंदर जा रे गाल देख और काले हो रे होठ देख क्यों तू ऐसा हो रहा देख टैटू सरे. अभी तक जो हुआ है उसमें मुझे ये लगता है कि इनका ना सिर्फ गाने का, ना सिर्फ लिरिक्स में, इनफैक्ट यू नो एवरीथिंग ही प्लान्ड इट, लाइक द बैकग्राउंड, द लोकेशन और वॉट एवर ही इज डूइंग, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू यू नो द सॉन्ग एंड दैट इज व्हाट समथिंग इज वेरी टचिंग. ऊपर मेरे साथ में, मेरे अमल मेरे साथ में, मेरे जात में, वो सब नहीं चलता जो हिप हॉप में चलता. फिर पन में करता अमीर लोग के बाथरूम की तरह उतना मेरा घर था, वो छोटा सा घर था, मैं रिक्शा में सोता. हटाई की बात नहीं, मैं खुद को देख के रोता. मैंने बोल डाला जो था मैं फील कर सकता, गरीब नहीं ले सकता टिकट मेरे शो का, इसलिए टिकट पे कुछ शो का रोज रखू रोजा. एक साल तक सोचा खुद को भरोसा भरोसा. ओके ओके, तो फ्रेंड्स लिरिक्स स्टार्ट हो गया. अभी सिर्फ चार, आई थिंक चार या छः लाइन हुआ है एंड उसमें इतना बड़ी बात स्टैन ने कहा है कि मॉम उनको टोके थे एंड यू नो हमारी जात में ये नहीं चलता है. अमेजिंग अमेजिंग. अभी तो पूरा गाना बचा है, मैं तो इसी में फिदा हो गई. लेट्स कंटिन्यू. पूछ मत क्या सिंजस है आवे, सबर कर कबर भर अभी तो स्टार्टिंग. पूछ मत क्या सिंजस है आवे. मेरे होमी की कैसे करूं जामिन, बिच आई एम कमिंग आई एम कमिंग आई एम कमिंग, दिस हाउस आर प्लानिंग. सुबह उठ के सुनने मिल रहा एम्बुलेंस का सायरन, किसका तो बन बाप गज का, किसकी तो भी मां बहन. ये गाना मुझे लगता है ना आप चार पांच बार सुनोगे तो आपको हर एक लाइन जो है ना वो लाइक एवरी लाइन हैज गॉट सो मेनी मीनिंग, सो मेनी मीनिंग्स. इस पल पे मां बहन छुपाते मां बहन और दूसरे की मां बहन. फक यू मानी, गो होम टेक इट सो. तूने सुबह उठ के सन देखा, मैंने सुबह उठ के गन देखा, बंदे का मन देखा, अठारह में जेल देखा, स्कूल टाइम में फेम देखा, सबको सेम देखा, यहाँ तक कि सबका एक एक मेल देखा, लड़की लोग का सेल देखा, खोजा मत मैंने जेल में लिखा. पब्लिक बोली करके दिखा, चल के दिखा फोटो ले, आज फिर चार साल बाद सबको दिखा, सबको दिखा, सबको दिखा, लेकिन भागते तुम सच से, मेरे को पसंद सच, मैं बोलता हक से, दिख रहा मैं कब से, दुआ मांग रब से, गुस्सा तू बच्चे. मतलब जो खुजामत गाना है उसका जो लिरिक्स है लाइक उतना, उसका जो सॉन्ग है एमसी स्टैन ने जेल में लिखा था. कैन यू मैन, फैन मेरा रहेगा तो आज के बाद से, माँ बाप को मानते अब उन आज के बाद से, भूल कैसा सकता तू माँ के हाथ से, आज के बाद से बात मत कर, आज के बाद से डबल डेट मत कर तू आज के बाद से, कर्मा गोना फक यू आज के. अपने गाने में इतना अच्छा यह मैसेज दिया है स्टैन ने कि अगर आप मेरे फैन हो तो आज के बाद आप माँ बाप का इज्जत करोगे, माँ बाप की बात सुनोगे. आई मीन दिस इज सच अ नाइस थिंग टू डू कि आप अपने रैपिंग के थ्रू इतना अच्छा मैसेज पहुंचा रहे हो. नाइस यार, वेरी अनएक्सपेक्टेड. से खुद का ख्याल रख तू आज के बाद से, बिल नहीं खाने वाला आज के बाद से, जेनेक्स मेरे पास में ना, मुंह में कैसे बात करूंगी तुम, जिंदा लाश से मार डालूं तेरे मुंह पे, खास के ब्रा, एक लास्टिक बात, एक आमेन.
Amen. Har mere sentence ke end mein bola amen. I pray for my head, I pray for my homie. Pooch mat kya sinja se amen. Sabar kar kabar var abhi to starting. Pooch mat kya sinja se amen. He is another level. Another level. मैं क्या बोलूँ Money in my main purse. Why you so lame? Curse who came first? Remember, paisa ya December. So simple, be humble. 2020, chalo be humble. Fuck mumble, yaad aata Snoop Uncle, babe that shit. I'm gonna spit that shit. Khud se main pareshan. Bhag ke jao kidhar? I just love this line. Khud se main pareshan. Bhag ke jao main kidhar? यार मैं हर एक लाइन पे पता है आई कैन स्टॉप एंड आई कैन टॉक अबाउट इट. आई मीन दिस इज सो ऑसम गॉड. ओके सिगरेट जलाए मैंने इधर पब्लिक जल रही ले उधर बुरका फुल टाइट जिसमें दिख रहा तेरा फिगर कुरान में जिक्र सब बुक जरा डिप पर एसिड विसिड खा जरा दुनिया पे ट्रिप कर इंसान की ट्रिप कर बीटी से सिख कर आयला में लिख कर बैठे ला शांति से गाने मेरे बात कर रहे इंसान है खुद जाते तुम लोग क्या बात कर रहे मजबूरी में चोर बन रहे किसके कई को पैर पड़ रहे बात मेरी होती सच इसलिए मेरी केयर कर रहे पुलिस के पेड़ बढ़ रहे बोले हम लोग चेंज कर रहे पर अपन इनको क्यों नहीं चेंज कर रहे सेम कपड़े सेम लफड़े हुड को अच्छा नहीं लग रहा हम लोग आगे क्यों बढ़ रहे हर करे की मेरी को लड़की जैसा क्यों झड़ रहे चक्कर में गए तो फैक्ट 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 रियलिटी हकीकत. इस गाने का बस मैं एक ही नाम दे सकती हूँ एंड दैट इज द फैक्ट द ट्रुथ ऑफ लाइफ. पीछे से मींस बन रहे ना पकी में गुसल कर रहे शैतान नमाज पढ़ रहे फरिश्ते रोते रहेंगे ऊपर इंसान ये क्या कर रहे अपनी हद पार कर रहे तड़ी पर हो शैतान नमाज पढ़ रहे फरिश्ते रोते रहेंगे ऊपर इंसान क्या कर रहे डरता मैं मरने से सोच डाला क्या होगा मरने पे मेरे सेंटेंस के एंड में बोला मेरा ब्रेवो माहौमी पूछ मत क्या सिंजर से आवे सबर कर कबर बर अभी तो स्टार्टिंग पूछ मत क्या सिंजर से आवे मरने के बाद भी गाने में रहेंगे आई प्रॉमिस यू टेंशन मत ले जो ना वी वाना बी ऑलराइट ये बात सबको पता है दिल कुर्सी पड़ के सबको व्हाट आई एम नॉट लुकिंग फॉर क्राउड आई एम नॉट लुकिंग फॉर क्लाउड हुक मत रख किस पे इफ यू हैव एनी डाउट खुद पे मांगता प्राउड फक योर सिंपैथी अकेला में बस भरोसा किस पे नहीं मांगते मेरे को दस एक होमी बस आई मीन माय क्रश शो मी यू नो मी शो मी सम लव दिखाएंगे कब सिर्फ चल रे लाला यू डोंट गिव अ फक तेरा प्यार तेरे पास रख आई एम रनिंग टू हाउ लॉकडाउन में करूं मैं शो पांचों कल में पढ़ के सॉफ्ट कोर्स नो फोर्स बट मेरे को हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता किसको जो मानता है व्हाट अबाउट जनता देखो फैंस के मेकर करता लेकिन मैं खुद ऊपर वाले का पंगा ढूंढने पे आई मीन कुछ नहीं बोलना चाहिए बेस्ट पर मेरी माइक पे लिल बन बजा Guys, this song is so freaking deep. I mean, पता नहीं मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ज़्यादा जुड़ जाती हूँ when I listen to any song, especially जो इतना awesome lyrics है. Did you listen to the lyrics? Forget about the music, forget about everything. The lyrics is just like mind-blowing. And Stan, add me to your fan club.
ओके फ्रेंड्स, तो ये पहला गाना है मेरा स्टैंड पे एंड रिएक्शन वाला, एंड आई वुड लव टू डू रिएक्शंस ऑन अदर सॉन्ग्स एज वेल, एंड आई एम वेरी सॉरी क्योंकि आप तक ये वीडियो बहुत लेट पहुंचा है. सो आई होप आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि इस वीडियो पे मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने लिटरली अपना लाइफ खोल के रख दिया हमारे सामने. एनीवेज फ्रेंड्स, आई एम स्पीचलेस राइट नाउ. सो यस, थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग दिस सॉन्ग. एंड अगर आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड यस, जस्ट बी विद मी ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज. लव यू ऑल.